हेलो एवरीवन, यहाँ पर आज की रीडिंग है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे से आप लोग प्यार करते हैं या नहीं, यानी आप दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कौन सी फीलिंग है, कौन सा ये भावना है जो आपको उजागर करता है कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं या कम करते हैं। यही रीडिंग है गाइस। यहाँ पे 2 ऑप्शन रखा है, जो भी आप चित्र पसंद करते हैं पहला या दूसरा उसके हिसाब से रीडिंग होगी। जिन्होंने पहला ऑप्शन चुना है देखते हैं उनमें क्या निकल कर आता है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना है उनके रीडिंग में आया है गाइस कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था, प्यार था, विश्वास था, एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन कोई ना कोई ऐसी दोनों के बीच ऐसी समस्या आ गई है, वो समस्या आप समझ सकते हैं गाइस। या तो फैमिली समस्या हो सकती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ ऐसी फाइनेंस प्रॉब्लम आ सकती है जिसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं, या शक भी आ गया है गाइस। कार्ड के द्वारा ये भी आया है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं। शक का इशू हो सकता है, पैसे का इशू हो सकता है, पारिवारिक चीज़ों का भी इशू हो सकता है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ समस्याएं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ऐसी तकलीफें आ गई हैं जिससे कि आपके प्यार में उतनी सफलता और सक्सेस नहीं मिल रही है जितना कि आप दोनों चाहते हैं। आप दोनों में प्यार कम नहीं है गाइस, दोनों में प्यार है, लेकिन परिस्थितियां और सिचुएशन ऐसी आ गई हैं जिससे कि आप दोनों को एक दूसरे को सफाई देनी पड़ रही है, एक दूसरे की बात को मनवाना पड़ रहा है, एक दूसरे को प्रेशर देना पड़ रहा है कि मैं सही हूँ, वो बोल रहे हैं मैं सही हूँ। यानी इस बातों को लेकर आप दोनों के बीच में जो हैं गाइस बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब ये है कि दूरियाँ आ गई हैं, थोड़ी डिस्टेंस आ गई है आप दोनों के जीवन में, थोड़े से प्यार के जीवन में या लव लाइफ में थोड़े से फासले आ गए हैं जिनको आपको बैठ कर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए गाइस। ये मैंने बता दिया है कि ये जो चीज़ें हैं, आप दोनों के अंदर प्यार है, सहयोग है, एक दूसरे के प्रति कंसल्ट है, लेकिन ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है जिसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ आ गई हैं। तो इन गलत फहमियों को आप दोनों मिलकर, दोनों पार्टनर मिलकर दूर करने की कोशिश करें, मदद के लिए एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है गाइस कि आप दोनों के बीच में जो फासले आ गए हैं, दूरियां आ गई हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें और अपने लिए सही रास्ता चुने गाइस। फर्स्ट ऑप्शन, तो आपका लव लाइफ जो है अपने आप पटरी पर आ जाएगा। यहाँ पे जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना है गाइस, ये रीडिंग निकल कर आ रही है गाइस, आप दोनों के बीच जो है बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा स्नेह है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, एक दूसरे के लिए ही मरते हैं। यानी आप दोनों के बीच इतनी बॉन्डिंग आप दोनों की अच्छी है कि आप दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं रहते हैं। आप अपने दोनों जो हैं अपने बिताए हुए समय को बहुत ही ज़्यादा एकदम प्यार से निभाने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का भी कद्र करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं गाइस। और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी जो बातें आई थी गाइस, आप दोनों को अलग करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन आप दोनों के प्यार से, विश्वास से, ट्रस्ट से और आपकी बॉन्डिंग अच्छी होने से आपको कोई तोड़ नहीं सका, आप दोनों के प्यार को कोई अलग नहीं कर सका। फिर से आप जुड़े, यानी प्यार से जुड़े, पुनः आपका रीयूनियन हुआ आप दोनों के लाइफ में। इतना आप दोनों की बॉन्डिंग पावरफुल है गाइस कि आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। आप अपने टाइम को बहुत ही सदुपयोग करते हैं, दोनों मिलकर सदुपयोग करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं,
दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं तभी तो आपको कोई अलग नहीं कर पाया। आप अपने दिल की बातों को बहुत एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने दिल की बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, बयां करते हैं, तभी तो आप एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग को समझते हैं। यही कारण है गाइस कि आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इतना ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच गाइस, और आप दोनों इसी बॉन्डिंग से, इसी मजबूती से एक साथ जुड़े हुए हैं, और आपके लाइफ में लव लाइफ इतनी अच्छी चल रही है गाइस, इतना अच्छा समय आपका चल रहा है कि आपको लाइफ में दोनों तरफ से, मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप दोनों उसको ग्रेप करते हुए, उसको ग्रहण करते हुए बहुत ही अपने लाइफ को, जीवन को सक्सेस बना रहे हैं, सफल बना रहे हैं, और दोनों एक साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही ईमानदारी के साथ आप अपने लव लाइफ को जी रहे हैं। यानी आपकी हैप्पी फैमिली है, हैप्पी लव लाइफ है, और इस लव लाइफ के लिए, हैप्पी लव लाइफ के लिए आप एंजल को, गॉड को, ईश्वर को जरूर से ज़रूर ग्रेटिट्यूड दें कि इतना अच्छा पार्टनर आपको मिला। दोनों पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ट्रस्ट हैं, और दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए जीते हैं और मरते हैं।